खूबसूरत से स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से वादियों से। तो भाई गाड़ी पे आगे बेचारे गरीब हो हाँ ना तो बोलो। जानसु के कोई टीचर थे तो भाई साहब उनकी गाड़ी वहाँ से गई थी पूरी नीचे और पूरा परिवार एकदम समाप्त हो गया था क्योंकि भाई काफी दर्दनाक मौत हुई थी उस परिवार की यहाँ पे और उनकी गाड़ी अभी भी वहीं पे दिखाई दे रही है मेरे को। काफी डर लग रहा है यहाँ पे देखने में। तो भाई समय हो रहा है सुबह के 4:30 बजे। तो ब्लॉग की शुरुआत कहीं अच्छी लोकेशन पे करूंगा क्योंकि अभी अंधेरा है तो मुझे यहाँ से अर्जेंट निकलना पड़ रहा है देहरादून के लिए, यानी कि सुबह के 4:30 बजे मुझे यहाँ से देहरादून निकलना पड़ रहा है। रास्ते में बताऊंगा मुझे क्यों जाना पड़ रहा है अभी देहरादून। तो भाई अभी हमें निकलना पड़ रहा है अर्जेंट में, बाघ का डर तो है खैर लेकिन क्या करें। तो चलिए फाइनली मैं अपने गांव से चंबा से आगे यानी कि माँ सुरकंडा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है तो यहाँ तक आ चुका हूँ। तो अब आपको बताता हूँ कि मैं देहरादून क्यों जा रहा हूँ और मुझे अचानक से क्यों जाना पड़ा। तो उससे पहले आपको इंट्रो दे देते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से वादियों से। तो भाई मैं देहरादून क्यों जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ जो हमारे बड़े भ्राता है यानी कि जिनकी शादी है उनको लेने देहरादून जा रहा हूँ। यानी कि वो दिल्ली से तो देहरादून तक आ गए हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि तू कार लेके आ जा। तो बाद बाकी अपने धनों जो कि हमेशा सुख दुख में साथ रहती है और मेरे साथ जो दोस्त है वो है अखिल द पहाड़ी। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। तो हमने सोचा भाई साथ में चलते हैं, हर जगह हम साथ रहते तो चलिए आज साथ में देहरादून में चलते हैं। तो आज ही मुझे वापस आना, यानी कि भाई को मैंने उत्तरकाशी छोड़ना और फिर वहां से गांव आना है, इसीलिए मैंने अखिल भाई को बोला। बाकी भाई जिस जगह पे हम अभी है ना, यहाँ से व्यू देखो दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत की है। ऑसम व्यू है, नीचे देखो मकान है, कितनी ढलान भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मूवियों में देखते हैं ना, हम सच में इन चीजों के बीच में रहते हैं। तो चले भाई फाइनली निकलते हैं यहाँ से। बाकी मैं कार तो चलानी पड़ेगी, गाने हटा देते पहले, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। वो बोलते ना कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, इसीलिए गाने बंद रखो और चलिए आपको दिखाते हैं हसीन वादियां, यानी कि मसूरी यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। तो आप भी हमारे साथ सफर का मजा लीजिए। तो वैसा फाइनली हम धनोल्टी के पास पहुंच गए हैं, तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं यहाँ। हाँ जी, नाश्ता होगा, चलिए जरा। तो भाई नीचे तो जा रहा है देहरादून के लिए और मसूरी के लिए, बाकी ये जो रोड है ये चंबा के लिए जा रही है और अब हम जब वापस आएंगे तो हमें यहाँ से उत्तरकाशी के लिए जाना है। प्यारे प्यारे कुत्ते यार, ये छोटे छोटे, अरे वाह वाह वाह। तो भाई साहब इसके ऊपर इतनी हवा चल रही ना जहरीली, तो यार मेरे को दो कुत्ते दिखे तो मैंने सोचा ले ले आ जा। तो मेरे को दो कुत्ते दिखे छोटे छोटे ना, तो देखो यार इंसान हो या जानवर हो भूख तो हर किसी को लगती है ना इस ठंड पे बेचारे, इनको थोड़े बंद खिला देता हूँ यार मैं। ये देखो भाई भूख ऐसी होती है, आजा ले ले ले। डर भी रहा है वो देखो। अरे खाओ यार खाओ, उधर खाओ, अरे खा लो। नहीं खा रहे यार, ये नहीं खा रहे यार। अरे बंद खाओ भाई, अरे तो बात बर्बाद हो गया, इन्हें रोटी छान उसको दे देते हैं। हां तो भाई ये कुत्ते थोड़े इनकी डिमांड ज्यादा लग रही मेरे को। हां आराम। तो चले भाई अपने गरम गरम पराठे तो बन गए हैं, बाकी दही दाल चटनी वाह, इसको भजगाते फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, हाल फिलहाल देख लेते हैं, तब तक चाय भी चढ़ा दो। तो भाई गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया और गर्मा गर्म चाय भी पी ली है, अब निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। अखिल महाराज पहले घुस गए अंदर, पैसे ना देने पड़े हैं, पहले बैठ गया यार, बहुत बदमाश है। तो देखिए जी ऐसे ऐसे बदमाश मैंने साथ में रखे हुए हैं, ये लड़कों में अक्सर होते हैं। अरे यार मेरा मेरे साथ अक्सर ही हो रहा है। भाई बाहर खिसक गया हुआ, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, चिल्लाए भी मैं लेकिन सुना नहीं। यहाँ देखिए जी इतनी सारी बूंदे पड़ गई, अब निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में, ठीक है? बाकी पेट तो टन हो गया, ठीक ठाक खाए ना, तीन पराठे खाए भाई ने अकेले। बोल रहा था कि एक 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 करते करते तीन खा गया, शाबाश। भूख होता है ऐसी, दूसरों की भूख मारने के बाद जो खुद की भूख बढ़ाता है वही इंसान कहलाता है, ठीक है? चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो सान भाई हट जा, आ भाई, आ बाबा।
कहाँ मारेगा रे। तो भाई सफर तो हो ही रहा है, जानदार और नेगी जी की कहानी में चल रहे और ऊपर से बारिश भी होने लगे और मजा आ रहा है। यानी कि इस बार गांव में बारिश नहीं देखी, शहरों में देख रहा हूँ मैं। और समय पे हुई नहीं है पर अब हो रही है। अब तो डर ये लग रहा है कि शादी में ना हो कहीं। तो भाई मैं जिस जगह के पास हूँ इस जगह को कहते हैं मसराना। यानी कि यहाँ से जितनी अच्छी लोकेशन दिखती है ना, जितनी अच्छी धरती दिखती है, जितना अच्छा व्यू दिखता है, उतनी खतरनाक यहाँ पे है। यानी कि यहाँ पर कुछ साल पहले एक परिवार की कार बाहर गई थी और यहाँ पे आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये देखिए व्यू तो यहाँ से काफी अच्छा दिखाई देता है, चारों तरफ हसीन वादियाँ। लेकिन एक बार जो गाड़ी गई थी वो जानसू के कोई टीचर थे, तो भाई साहब उनकी गाड़ी वहां से गई थी पूरी नीचे और पूरा परिवार एकदम समाप्त हो गया था। तो ये सड़क जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी खतरनाक भी होती है। वही है कि पहाड़ों में काल कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। हालांकि रोड बहुत चौड़ी है लेकिन भाई साहब खतरा भी उतना बना हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए रुका कि भाई देखता हूँ मैं कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ से देखते ही चक्कर आ रहा है नीचे, क्योंकि भाई यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं ना, तो यानी कि बचने का तो कोई चांस नहीं। तो चले भाई यहाँ से निकलते हैं। भाई काफी डर लग रहा है यहाँ पे देखने में, क्योंकि भाई काफी दर्दनाक मौत हुई थी उस परिवार की यहाँ पे और उनकी गाड़ी अभी भी वहीं पे दिखाई दे रही है मेरे को। तो मुझे काफी बुरा लग रहा है, मैं निकलता हूँ यहाँ से अभी। क्या हाल है उनियाल जी? बढ़िया टनसाक। तो भाई ये उनियाल जी हैं, रिश्ते में तो हम इनके ससुर लगते हैं लेकिन ये उम्र में हमसे बड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो कुछ सामान भेजा था, एक्चुअली हमारी भतीजी का ससुराल यहाँ है, तो कुछ सामान भेजा है उनके माने यानी कि इनके सासू ने, तो इसलिए हम आए। और बताओ रास्ते पानी बढ़िया? बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडा है भाई, मतलब बारिश यहाँ देखने को मिल रही, गाँव में तो अकाल पड़ रखा है। बिल्कुल ठीक है, चलो थोड़ा गप्पे मारते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी। ठीक है उनियाल जी, ठीक है फिर, बाय बाय बाय। तो भाई ये है मसूरी, यहाँ से एक किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर है मसूरी। बाकी उनियाल जी यहाँ रहते हैं, इनकी शॉप है यहाँ। तो चले हम भी निकलते हैं फुल पावर में, क्योंकि यहाँ तो बारिश हो रही भाई। तो इनका सामान था वो भी मैंने दे दिया, और सबसे बड़ी टेंशन होती है भाई जब जिम्मेदारी पकड़नी ना, तो उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरे को सारे रास्ते में यही चल रहा था यार मैं भूल ना जाऊं कहीं। कई बार होता है मेरे साथ की कुछ सामान ला रखा, मैं जब 50 किलोमीटर आगे जाता तब याद आ जाते, हो जाता है ना। लेकिन चलो फाइनली मैंने उनियाल जी का सामान दे दिया, निकले यहाँ सब, तो निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। चलिए फाइनली हम 5 बजे निकले थे वहाँ से और अब जाके 10:15 पे पहुँच चुके हैं। यानी कि 5:15 घंटे का रास्ता कवर करने के बाद हम देहरादून में पहुँच चुके हैं। बाकी गाड़ी पार्क लगा दी और यह है सामने मामा जी का मकान, तो इसी में जाना हमको। खुश रहो खुश रहो। भाई साहब प्रणाम, और क्या हाल है? बढ़िया टनसाक टनसाक। ये है दूल्हे राजा, जिनको लेने स्पेशल फोर्स आ रखी। अबे चाय बना दे गर्म गर्म है। अरे तुम वीडियो में आ गए भाई। देखिए भाई इन्हीं की वजह से हम यहाँ आए, सुबह 4 बजे से हमारी नींद हराम हो रखी भाई, क्या बताएं। तो आते ही देखो आप स्टूडेंट का कमरा ऐसा होता है, बाकी भुला बना रहा है गर्मा गर्म चाय, और ये मैंने घर से ला रखा भाई दूध, ये मान स्पेशल कोका कोला की बोतल में दे रखा है। वाह चाय देखते ही भाई साहब मुंह में पानी आता है मेरे। महाराज थक कितना लगा? इसको क्या थक लगे यार, गाड़ी तो मैंने चलाई। सही बात। चले थोड़ा चाय पीते हैं, थक उतार दे। पहाड़ों में कहते हैं कि चाय से थक उतरता है, हालांकि अभी तो हम शहरों में हैं लेकिन थक उतारने के लिए तो हमें चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहाड़ी हैं भाई। तो चले चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या हो पाता। अभी हमको वापस निकलना है यहाँ से, अभी उत्तरकाशी। ये बोला है देखो गिलास भी बहुत छोटा दे रखा है इसने, वाह मजा आ गया। अरे बीआईपी हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई देहरादून की इस गर्म वादियों में थोड़ा चाय पी लेते हैं, हालांकि यहाँ तो भाई पंखा खाने का मन कर रहा है लेकिन क्या करें, पी लेते हैं थोड़ा। भाई अपना थक तो तभी उतरेगा जब गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। तो चलिए फाइनली हम निकल पड़े यहाँ से। 2-3 घंटे आराम किया, इन्होंने शॉपिंग की अपनी भाई साहब लोगों ने, मैं तो सोया रहा क्योंकि भाई मेरे को गाड़ी चलानी थी। बैठो भाई बैठो जल्दी बैठो, ये तो यहीं रहेगा, ये तो परसों आएगा शादी में। चल ठीक है बोला है, पढ़ाई करना ठीक है। तो भाई हमारे बड़े भ्राता कुछ सामान ले रहे हैं, तो फिर निकलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि भाई समय काफी हो गया, लगभग 2:30 बज चुके हैं और हमें अभी लगभग 150 से 200 किलोमीटर का सफर तय करना है और ऊपर से पहाड़ी का रास्ता है, यानी कि जो एवरेज स्पीड रहती है बड़ी मुश्किल से 30-35 रहती है। तो भाई और हमें गांव निकलना है भाई, भाई को उत्तरकाशी छोड़ना, फिर वहां से मुझे गांव निकलना है क्योंकि भाई की जॉब है कल। तो भाई गाड़ी पे आगे बेचारे गरीब हो गरीब हो है हाँ ना, तो बोलो। तो वीडियो में ये नहीं बना रहा हूँ गरीब हो। तो भाई वो बोल रहे थे कि यार वीडियो में मत बनाओ, हम नहीं बोल पाएंगे, कुछ डर गए थे पहले, बाद में मैंने उनको समझाया कि यार ऐसा नहीं, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि और जो गरीब है उनकी मदद हो सके। पहले वो घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या है क्या है, होता है कई बार ना।
तो भाई समय हो रहा है 4:45 और अभी हम पहुंचे हैं रोहतू की बेली पे। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं थोड़ा चाय चुई पीते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा हैवी खाना तो नहीं खाया जाएगा, समय ओवर हो गया, अब रात को ही खाएंगे। चलिए थोड़ा गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में।